to. कितनी उलझी हुई है, कितने आपस में उलझन भरी आपको लगेंगे कि उलझी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी लकीरें आपके जीवन को रेखांकित करती हैं। देखिए, मेरा कैरेक्टर जो है, जैसा कि आपने, दुखियारा सा बाप है एक, जो अपनी बेटी के दुख को देखकर दुखी है, जो लाजमी है, और ये सिस्टम से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जो सर्वाइवर है मेरी बेटी। लेकिन बीइंग ए फादर, बीइंग ए कंसिडरेट फादर, आई एम ऑलवेज देयर विथ हर एंड आई एम रेडी टू फाइट विथ हर एंड गिविंग कंपनी इन ऑल द सिचुएशन। दिस इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज। तो इस अपनी बेटी के इस लेजिटिमेट लड़ाई में मैं उसका साथ दे रहा हूँ और उसे सही बता रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसी फिल्म बननी चाहिए ऐसी, क्योंकि देखिए हमारे जो फिल्म मीडियम है वो आईना होता है समाज का, और अगर ऐसी फिल्में बनती है, इससे अवेयरनेस अगर समाज में आती है, जागरूकता आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्शन। नसीमा करती है सब, अब तो बयां भीगी ये आंखें कहानी मेरी, सुबह है ये खामोशी, फिल्म लकीरें में गीता विश्वास का रोल अदा कर रही हूँ। गीता विश्वास एक बाय प्रोफेशन शी इज़ अ लॉयर, उनके जो मोरल वैल्यूज़ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो हमेशा सच्चाई के साथ देती हैं, और शी बिलीव्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, और जो लड़कियाँ जिनके साथ कुछ गलत होता है वो उसके लिए जान लगा के लड़ती है। नहीं, मतलब ऐसा क्या हुआ आपके साथ जिसने आपको वैवाहिक जीवन की मधुर बांसुरी बजाना छोड़ के अदालत में मृदंग बजाने के लिए मजबूर कर दिया? लकीरें में मेरे कैरेक्टर का नाम है दुधारी सिंह, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और ये पेशे से लॉयर हैं, और ये एक बहुत ही अत्यंत सफल लॉयर हैं जो कानून का सिर्फ सदुपयोग ही नहीं करते हैं, कानून का दुरुपयोग करने में बहुत महारथी हैं, और एक हिसाब से आप इसको ये कह सकते हैं कि ये उस किस्म का कई हिसाब का बल होता है, लोगों के पास धन बल होता है, जन बल होता है, बाहुबल होता है, लेकिन दुधारी सिंह के पास ज्ञान बल है। मैं इस फिल्म में नसीमा का कैरेक्टर कर रही हूँ, और मेरा एक छोटे से परिवार की एक महिला का कैरेक्टर है जो कि एक गृहस्थ जीवन में है, जो कि काफ़ी प्रताड़नाओं से गुजर रही है। हमारी जैसी जो महिलाएं होती हैं या जो छोटे तबके से जो लेडीज़ आती हैं, वो कभी अपने दुख को या डोमेस्टिक वायलेंस जो उनके साथ होता है या जिस तरह के स्ट्रगल से वो गुजरती हैं, कभी दिखा नहीं पाते। तो हम अपनी फिल्म से उस चीज़ को बाहर लाना चाहते हैं। जहाँ तक मेरे पात्र का सवाल है, जो कैरेक्टर है उसका नाम रवि है, और रवि अपनी ज़िंदगी में एक आम इंसान की तरह है, जो जिसका परिवार है और बच्चे हैं, और वो अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह बिताना चाहता है।
लेकिन कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं उसके साथ जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी एक तरह से उलट पुलट हो जाती है। जिस तरह से हाथ की लकीरें होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी भी हाथ की लकीरों के हिसाब से चलती है। किस तरह से लकीरें कभी आपकी बढ़ती हैं, कभी छोटी होती हैं, कभी बदलती हैं। मैडम, लेकिन